वो कभी कभी रातों को ठंड में रिक्शा चलाता है, कभी भारी दोपहरी में पत्थर ढोता है। वो जानता है कि उसके आंसू उसके घर वालों का कमजोर बना देगा, इसलिए बस एक बाप ही तो है जो बस अकेले में रोता है। खुद के बनियान के पैसे भले ही ना हो, लेकिन अमीर इतना है कि तुम्हें हर खुशी खरीद के दे सकता है। तुम पैसों की फिक्र मत करना, उसका इंतजाम मैं देख लूंगा, एक बाप ही तो है, जो ऐसे बोलकर पूरी रात भर खाली पर्स को देखता है। वो जागते जागते सोता है और सोते सोते जागता है। उसकी तरफ देखकर लगता है बीमार तो कोई और ही है, क्योंकि एक बाप ही तो है जो पूरी रात भर बुखार में तप के भी सुबह चुपचाप काम पर जाता है। खुद के सपनों को जो जवानी में तोड़ चुका, घर पर रहने का सुख जो तुम्हारे लिए पैसा कमाने के लिए छोड़ चुका, वो उसके कमीज की अलग ही खुशबू जिससे बच्चों का जीवन महकता है, एक बाप ही तो है जो खुद को जल के भी घर में रोशनी बिखरता है। खुद के बेटे पर इतना यकीन है कि उसको पढ़ने के लिए कमरा अलग दे रखा है। बेटा छोड़कर पढ़ाई पूरी रात मोबाइल में लगा रहता है। जब बेटा सुबह सोते वक्त एक आहट सुनता है तो वो एक बाप ही होता है जो पूरी रात भर खेत में पानी देकर लौटता है। क्या उस बाप की स्माइल के लिए, उन पेरेंट्स की स्माइल के लिए तुम अपनी किताबों से उस मोती को ढूंढ कर ला सकते हो जिनसे उनकी आंखों की चमक बढ़ जाए? क्या तुम अपने सच्चे दिल से पढ़ाई कर सकते हो ताकि तुम्हारी पेरेंट्स को अफसोस नहीं बल्कि गर्व हो तुम पर? जब वो कहीं से गुजरे तो उनकी तुम्हारे नाम से जाना जाए, और अगर तुम ऐसा कर पाए तो भले ही जिंदगी में ज्यादा पैसा ना कमा पाओ, लेकिन फिर भी तुम सबसे ज्यादा अमीर हो। ये बात सही है कि पढ़ाई में मेहनत लगती है और एक जगह पर पढ़ते पढ़ते नींद आती है, लेकिन ये सोचो कि तुम्हारी पेरेंट्स भी हमेशा वही काम करते आए हैं जो आज तुम उनको करते हुए देख रहे हो, तो क्या वो बोर नहीं हुए? जब तुम्हारी जिंदगी बदलेगी तो उनकी भी बदलेगी। या तो कुछ महीने पढ़ाई करके सबके सपने पूरे कर जाओ, या आलस करके अपने आप को दुनिया से पीछे करते जाओ। और अंत में बस इतना ही बोलूंगा कि दुनिया को तो फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम चाहे फेल हो या पास हो, फर्क जिन पर पड़ेगा वो तुम्हारी लाइफ होगी, तुम्हारे घर वालों की लाइफ होगी। और अगर दिल से खूब मेहनत करोगे तो मुझे पता है कि तुम देश में अपना और अपने पेरेंट्स का नहीं बल्कि दुनिया में भी देश का नाम करोगे।